2019 के आम चुनाव से पहले मोदी सरकार और एनडीए को लगा है बड़ा झटका। एनडीए में बड़ी टूट हो गई है। आंध्र को विशेष राज्य का दर्जा न मिलने से नाराज चंद्रबाबू नायडू ने मोदी सरकार का साथ छोड़ दिया है। आंध्र प्रदेश में अभी टीडीपी की ही सरकार है और 2014 में तेलंगाना के बनने के वक्त से ही आंध्र को विशेष राज्य के दर्जे की मांग लगातार हो रही थी। अब केंद्र सरकार के इनकार के बाद चंद्रबाबू नायडू ने अलग होने का ऐलान किया है। टीडीपी कोटे से अभी दो मंत्री हैं, अशोक गजापति राजू और वाईएस रेड्डी, जो कि आज इस्तीफा देने वाले हैं। आज दोनों ही मंत्री, जो कि टीडीपी कोटे के मंत्री हैं, दोनों ही इस्तीफा देंगे। 2019 से पहले यह एनडीए को बड़ा झटका है। एनडीए से अलग होने का ऐलान चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी ने कर लिया है। चंद्रबाबू नायडू ने रात में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि एनडीए ने वादा खिलाफी की है। पहले हमें भरोसा दिया, पहले हमारे साथ वादा किया कि आंध्र को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा, और जब हम लगातार मांग करते रहे तो उसके बाद वो पीछे हट गए। खुद कल जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और मना किया वित्त मंत्री अरुण जेटली ने, उसके बाद चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी ने एनडीए से अलग होने का ऐलान कर दिया है। यह बड़ा राजनीतिक डेवलपमेंट है जो हुआ है। आंध्र को विशेष राज्य के दर्जे की मांग केंद्र ने ठुकराई, जिसके बाद यह बड़ा फैसला हुआ। टीडीपी कोटे से जो दोनों केंद्रीय मंत्री हैं वो आज इस्तीफा दे सकते हैं। टीडीपी के कांग्रेस के साथ जाने की अटकलें भी लगातार लगाई जा रही है, क्योंकि कांग्रेस से राहुल गांधी ने सीधे तौर पर कहा कि अगर हमारी सरकार 2019 में बनती है तो हम सबसे पहला काम सत्ता में आने के बाद आंध्र को विशेष राज्य का दर्जा देने का करेंगे। और उसी के बाद यह कयास लगाए जा रहे हैं कि जो तेलुगु देशम पार्टी है वो कांग्रेस के साथ जा सकती है। दरअसल चंद्रबाबू नायडू आंध्र को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे थे। कल वित्त मंत्री अरुण जेटली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह साफ किया कि आंध्र को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। आपको बता दें कि विशेष राज्य का जो दर्जा दिया जाता है उसका मतलब सीधे तौर पर यह होता है कि किसी भी राज्य को विशेष आर्थिक पैकेज। नाउ वन ऑफ द प्रॉमिसेस वाज एट दैट टाइम दैट अ स्पेशल कैटेगरी स्टेटस कुड बी गिवन टू आंध्र प्रदेश। एट दैट टाइम स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स एज अ कॉन्सेप्ट डिड एग्जिस्ट, बट व्हेन द 14th फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट केम, which is a constitutional award, they said there is no special category status now to be given. तो देखिए, यही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वित्त मंत्री अरुण जेटली की, जिसके बाद चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए से अलग होने का ऐलान किया और साफ तौर पर कहा कि अब और नहीं। 2019 के चुनाव से पहले एनडीए को यह बड़ा झटका लगा है। आपको 2014 लोकसभा चुनाव में आंध्र प्रदेश में सीटों का गणित भी समझा देते हैं। ये देखिए, आंध्र में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं, 15 टीडीपी, वाईएसआर कांग्रेस के पास 8 और बीजेपी के खाते में 2 सीटें गई थी। कांग्रेस का खाता हालांकि नहीं खुला था, ये 2014 की स्थिति आपको बता रहे हैं। अब जो 2019 का चुनाव होगा उसमें बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि जो तेलुगु देशम पार्टी है वो एनडीए का हिस्सा अब नहीं है। आंध्र में 2014 लोकसभा चुनाव में चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी को 29% वोट हासिल हुए थे। ये आपको वोट शेयर बता रहे हैं कि कितने परसेंट वोट मिले थे। बीजेपी को 8.5%, वाईएसआर कांग्रेस को भी टीडीपी की तरह 29% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस के खाते में 11.5% वोट गए थे और कांग्रेस एक भी सीट नहीं निकाल पाई थी। ये 2014 की स्थिति आपको दिखा रहे हैं कि कितना किसका वोट शेयर रहा था। टीडीपी के अलग होने के बाद ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि बीजेपी जो है वो वाईएसआर कांग्रेस के साथ और कांग्रेस पार्टी टीडीपी के साथ गठबंधन कर सकती है। कांग्रेस आंध्र को विशेष राज्य का दर्जा की मांग का लगातार समर्थन कर रही है। तो 2014 लोकसभा चुनाव में ये देखिए कितना किसको वोट प्रतिशत मिला था। टीडीपी एनडीए में बीजेपी और शिवसेना के बाद तीसरी सबसे बड़ी पार्टी थी। अब एनडीए के पास कितनी सीटें बची है लोकसभा में वो देखते हैं। टीडीपी के कुल 16 सांसद टीडीपी के अलग होने के बाद एनडीए में 331 माइनस 16 315 रह जाते हैं। टीडीपी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी थी 18 सीटों वाली। जो शिवसेना है वो भी 2019 चुनाव बीजेपी से अलग लड़ने का ऐलान कर चुकी है। तो स्थितियां इस बार भिन्न होंगी 2019 के लोकसभा चुनाव जो होने वाले हैं उसमें। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लाइक बटन पर क्लिक करके हमारा हौसला बढ़ाएं, ताकि हम आपके लिए और बेहतर जानकारी लाते रहें। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉक्स न्यूज़ इंडिया, न्यूज़ बियॉन्ड पॉलिटिक्स।